दूसरे कंपनी के साथ आप पैसे मिले पैरा ओलिप से जो डॉट मिले कैंडल के ऊपर कम से कम 3 डॉट स्विच हो जाए कम से कम 3 डॉट का वेट करोगे आप और वो भी कैंडल के ऊपर जब कैंडल के ऊपर स्विच होता है पैरा ओलिप तो मार्केट डाउन आता है। हाय दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने वीडियो पर साथ और अभी तक आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट और प्यार किया आगे भी आप ऐसे ही करते रहो इस ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से काम करें काफी अच्छे मार्केट हम विन कर रहे हैं पांचों ट्रेड हमारे विन हो रही है टाइम देख सकते हैं हमारे सारे ट्रेडिंग की अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे ये काम करती है क्या सेटअप टाइम सेटअप है क्या ट्रेड टाइम सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन चलो शुरू कर दिया वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मैंने दो एसएम ने रखा है दो एसएम ने और एक पैराबोली रखा है एक एसएम का पीरियड मैंने 16 रखा है दूसरे का 12 रखा है पैराबोली रखा 0.06 और कैंडल का पैटर्न आप देख लीजिए एक नाइट ऐसी सब कुछ हटा के फिर से नए बार सेटअप कर और सब कुछ हटा दिया कैंडल पैटर्न भी जाइए एक नाइट ऐसी चार्ट का टाइम 1 मिनट लेट है डेट का टाइम आपको 1 से 2 मिनट लेट इतना सेटअप करने के बाद आप वाले सिंबल पे जाओगे इंडिकेटर में आपको एसएम ने मिलेगा फिर सब में लेगा दो एसएम हो चुका है और एक और लेना है पैराबोलिक पैराबोलिक ले चुका है ऐसा फर्स्ट वाले एसएमए को कर देना है 16 पीरियड कलर ऑफ एल्यूमिनियम ने तो थिकनेस पड़ा और सेकंड एसएमए को आप कर देना है 12 ठीक है और कलर हम हिसाब से कर लेते हैं ठीक है पहले स्टार्ट कर लेंगे पैराबोलिक का लेना है 0.06 और थिकनेस स्टार्ट कर लेंगे कलर ऑफ था तो अपने हिसाब से ये हमारा सारा सेटअप हो चुका है आप कैसे ट्रेड ले रहा वो मैं आपको बता सबसे पहले मैं आपके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा हेल्लो के बारे में देखिए आपको ट्रेड कहाँ लेना है हेल्लो मतलब डाउन साइड का जब एसएमए 12 वाली लाइन है इसका ब्लू वाली है आप देख लो एसएमए 12 वाली लाइन है स्काई ब्लू वाली स्काई ब्लू वाली लाइन एसएमए 16 यानी येलो वाली लाइन को देखिए एसएमए 16 है येलो वाली इसको क्रॉस करके डाउन है क्रॉस करके क्या है डाउन है दूसरे कंपनी के साथ आपको पैसे मिले पैराबोलिक से जो डॉट मिले कैंडल के ऊपर कम से कम 3 डॉट स्विच हो जाए कम से कम 3 डॉट का वेट करोगे आप और वो भी कैंडल के ऊपर जब कैंडल के ऊपर स्विच होता है पैराबोलिक तो मार्केट डाउन आता है उसके बाद क्या जी एसएमए 12 वाली ये जो लाइन है एसएमए 16 वाली लाइन क्रॉस करके डाउन आनी चाहिए क्रॉस करके क्या आनी चाहिए डाउन आनी चाहिए पहली बार तो क्रॉस कर दी दूसरी चीज पैराबोलिक के डॉट मिले तब आपको ट्रेड कैसे लेनी है ये जो कैंडल जो इस लाइन को क्रॉस कर क्रॉस करो मतलब ऐसा इसको कट कर रही है इस पे ट्रेड नहीं लेना आपको अगली वाली कैंडल पे पैसे नहीं रहा इस लाइन में या तो क्रॉसिंग करने में इन्वॉल्व होता आपको ट्रेड नहीं है लेकिन फ्रेश कैंडल बना हुआ था टचिंग इस कैंडल पे हमें ट्रेड फेस करना था 1 से 2 मिनट का डाउन आराम से हम डाउनवर्ड ट्रेड फेस करते हैं ठीक है ये तो आपको समझ में आया होगा डाउन का ट्रेड कैसे लेना है अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड कैसे लेना है ठीक है आपका ट्रेड क्या है ये यहाँ पे जैसे ही इसका एक ब्लू वाली लाइन है ये सबने 40 लोग सबने 60 वाली लाइन को क्रॉस किया है आप देखोगे की कैंडल जो है कंटिन्यूसली ग्रीन बननी चाहिए अप साइड में तो कंफर्मेशन तीसरी कंफर्मेशन क्या पैराबोलिक के जो डॉट होंगे कैंडल के नीचे स्विच होंगे कैंडल के नीचे स्विच होने चाहिए और जैसे की कम से कम 3 से 4 का कंफर्मेशन लेने नीचे के होंगे 3 से 4 डॉट का कंफर्मेशन एंगल बहुत अच्छे थे तब आप यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड केस कर दोगे और देखिए ये जो कैंडल है इसको क्रॉस कर रही है इस पर ट्रेड नहीं लेंगे इससे बी वाले कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है अगेन ये है वैसे डाउन और अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है देखिए एक चीज मैं बता दूँ ऐसे जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है वही क्लियर कट पे देखिए कट कर रहा है पैराबोलिक के साथ अपर साइड शिफ्ट द कैंडल के कंटीन्यूअसली बनने लगा पैसे लेना है दूसरी चीज बिल्कुल अपने पे वही करना है आप कलर अपने हिसाब से रह सकते हैं 12 वाली लाइन बोले सब से क्रॉस करके अब जाए पैराबोलिक के डॉट नीचे तब आपको अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर ठीक है तो आपको बहुत आसान वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कर वाली बात नहीं फर्स्ट वर्क तो आप और पे फिर जवाब लाइफ जहाँ ना कोई भी असिस्ट नहीं लीजिए करेंसी लेकर जमीन बहुत अच्छे से काम करता है और यार एक चीज मैं आपसे कह दूँ फर्स्ट फर्स्ट ऑन ट्रेडिंग इन लर्निंग देन पहले लर्निंग पे फोकस करिए ठीक है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बहुत ही आसान है बहुत अच्छे से भी समझ में आया होगा आपके लिए मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा डेली टाइम कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों अभी भी आप चैनल पर हमारे सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं बेल आइकन पर प्रेस करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग